आज हम एक एक्सकर्शन और स्टडी टूर पर है, जिसकी वजह से हमको बहुत आज बहुत खुशी हो रही है, पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही है। और यहाँ पर मैं पार्वती जी ने तपस्या करके शंकर जी पे बिल्व चढ़ाए थे और होपफुली हम भी वही चढ़ाएंगे। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा है, मैं जिससे लगा भगवान शंकर के चरणों में आ गया। मुझे यहाँ के ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिली जिससे मेरा मन, मेरे मेंटल, मेरा फिजिकल एकदम से मुझे स्ट्रेंथ मिले। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ के, मैं अपना बहुत सौभाग्यशाली बना था कि हमारे फ्रेंड्स ने इतना अच्छा टाइम निकाल के मुझे यहाँ मौका दिया यहाँ आने के लिए, कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे बिल्केश्वर महादेव का ना जय जय महाकाल। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे हमने देखा कि बिल्केश्वर महादेव में कैसे कहाँ पे गौरी माता ने तपस्या की थी शंकर जी के लिए, और हम लोग गौरी कुंड भी देखने के लिए जा रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं, जैसा कि हमारा एक्सकर्जन हुआ है बिल्केश्वर महादेव में, जो बहुत ही एक अच्छी और पॉजिटिव जगह मुझे तो लग रही है। और मैं पूरे ग्रुप के साथ आई हूँ, तो एक ये स्टडी टूर एज एन एक्सकर्जन टूर हुआ है। हमने यहाँ बहुत सारी हिस्ट्री जान ली है कि क्या क्या हुआ था, ये सब एक्चुअली हमने पढ़ भी रखा है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ इतना पॉजिटिव एनवायरमेंट, इतना अच्छा एटमोसफेयर है कि यहाँ मतलब हम ध्यान लगाकर भी बैठ सकते हैं। ये पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह बिल्व के झाड़ है, क्योंकि इसका नाम ही बिल्वकेश्वर महादेव, तो यहाँ पर मतलब उनकी स्वयं उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पर गौरी कुंड है जहाँ पर मैं गौरी माता ने मतलब स्वयं स्नान करती थी। बस हम उसी ओर जा रहे हैं, होप वी ऑल एंजॉय। थैंक यू। दक्षिण मुखी मंदिर है।